और सबसे पहले एक बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र का जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। पत्र में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला गया है। नड्डा ने लिखा, राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नेताओं की करतूतों को तो आप भूल गए या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, ये अपने पत्र में लिखा गया है। जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। अनूप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, जरा विस्तार से बताइए इस पत्र के बारे में। देखिए, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत लिखा था और उसमें एक तमाम सवाल किए थे। एक तरफ बधाई दी थी, इसके अलावा कई सवाल किए गए थे। आज उस पत्र का सिलसिलेवार तरीके से जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब दिया है और साफ तौर पर उस पत्र में जो मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है जेपी नड्डा ने, उसमें राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है जेपी नड्डा ने और कहा है कि आप बार बार जिस तरीके से लॉन्चिंग करने की कोशिश राहुल गांधी की करते हैं वो कहां तक जायज है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ओबीसी प्रधानमंत्री को जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कांग्रेस के चाल चरित्र पर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर कांग्रेस जो है वो गालियां देती है, तो इन तमाम मुद्दों को जेपी नड्डा ने बड़ी सिलसिलेवार तरीके से उठाया है अपने पत्र में और उन्हीं के लहजे में, जिस लहजे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई देते हुए कई सवाल किए थे, उन्हीं के लहजे में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। जी बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो सीधे सीधे कांग्रेस के उन तमाम नेताओं पर यह हमला के राहुल की करतूत भूल गए क्या, ये भी जेपी नड्डा ने लिखा है। कई मायनों में इस अगर पत्र को हम देखें तो कोई मौका नहीं छोड़ा गया है कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को शिकंजे में लेने का जिनसे कभी भी पास्ट में हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी बात निकलकर सामने आई, और खास तौर पर राजनीति के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये पत्र कई मायनों में अलग हो जाता है। कई मानों में अलग है, क्योंकि जिस लहजे से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला किया था, जिस तरीके से कई मुद्दों पर उन्होंने क्रिटिसाइज की थी, उसी लहजे पर जेपी नड्डा ने हर मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और उन्होंने पत्र में लिखा भी कि जिस तरीके से आपने कहा है उसका जवाब देना हम उचित समझते हैं, इसीलिए इसका जवाब हम दे रहे हैं। हर मुद्दे पर, चाहे वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी ने किया उसका जिक्र किया, इसके अलावा जिन मुद्दों को कांग्रेस उठाती है, चाहे वो जो ओबीसी का मसला हो, जातिगत जनगणना का मसला हो, उसका जवाब दिया, तो तमाम चीजों का जिक्र जो है वो जेपी नड्डा ने अपने लेटर में लिखा और उन्होंने कहा कि जो मोहब्बत की दुकान में वो क्या बेचना चाहते हैं ये भी जाहिर है। तो तमाम चीजें हैं जिस पर राजनीति मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू की थी उसका जवाब आज जेपी नड्डा ने एक एक कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।